तो उसे हैप्पीनेस के लिए करें, खुशी के लिए करें, और खुशी से करें। किसी भी काम को बर्डन समझ करके हमें नहीं करना चाहिए। आफत नहीं समझनी चाहिए कि ये मेरे लिए कहाँ से आफत आ गई, कहाँ से झंझट हो गया। खुशी से करो, स्मार्ट वे से करो, हैप्पी हैप्पी करो, प्रसन्नता से करो। जब भी आप प्रसन्नता से कोई भी काम करोगे वो काम अच्छा होगा। और जब आप किसी भी काम को आफत समझ करके करोगे तो वो काम बुरा होगा। अब क्या था कि जैसे तुम्हारी ये क्लास है, सब सीनियर पर्सन है, सब बड़े लोग हैं, बड़ी उम्र के हैं, सब पढ़े लिखे हैं। अब मान के चलो कि मैंने प्रश्न कर दिया और कोई यहाँ बाहर का व्यक्ति आ गया और उसने पूछ लिया, साव्या से पूछ लिया कि सर ने क्या पढ़ाया है, बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगा। अब साव्या ने कहा कि सर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, जो सर ने पढ़ाया वो बहुत अच्छा लगा, बोल दिया। लेकिन बैठे बैठे बोला, अब बैठे बैठे बोला तो मुझे गुस्सा आ गया कि एक तरफ तो सर की तारीफ कर रहे हो और एक तरफ बैठ करके जवाब दे रहे हो, तुम खड़े भी नहीं हुए। तो मैंने कहा कि तुम खड़े हो, डेकोरम भूल गए, खड़े होकर के जवाब देना चाहिए। अब जो दूसरा व्यक्ति था उसे अकल नहीं थी, सिफारिशों के आधार पर बड़ा तो हो गया, कहीं से डिग्री और डिप्लोमा लेकर के बड़े पद पर तो पहुंच गया, कहीं एमपी और एमएलए की सिफारिश से बड़े पद पर पहुंच गया। उसने कहा कि सर आप मेरे सामने धमका रहे हो, क्योंकि शिक्षा जैसी गुरु से शिक्षा मिलेगी वैसा ही वो रिपल्सन आता है। मैंने टोका नहीं, शायद आपके संस्कारों में कहीं पर कमी है, मैं एक आदर्श गुरु हूँ और मैंने आदर्श वार्ता का इनको पाठ पढ़ाया है, मैंने इनको शिक्षा दी है कि जब भी किसी का जवाब देना हो तो हमें खड़े होकर के डेकोरम में बड़ी पोलाइटली भाषा का प्रयोग करते हुए जवाब देना चाहिए और जितना पूछा गया है उतना ही जवाब देना चाहिए, उससे जवाब ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इन्होंने जो गलती की है ये मेरे शिष्य हैं, इसलिए मैं इनको शिक्षा दे रहा हूँ। उन्होंने ये बात मेरी ऊपर जा करके सीनियर अधिकारी से कह दी कि डॉक्टर एमपी सिंह क्लास को बड़ा खींच करके लेते हैं, बड़ा डराते और धमकाते हैं और इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन जब बड़े सीनियर अधिकारी ने पूछा डॉक्टर साहब ऐसे से बात है, मैंने उनको बताया कि जब छोटा सा बच्चा जब गोदी में खिलाने लायक होता है और उस समय पर हम कहते हैं कि बेटा तू इस पर थूक दे, तू बेटा इसमें चप्पल मार दे, तू ये कर दे, वो बच्चा कर देता है, नादान होता है। लेकिन जैसे ही बड़ा होता है जब वो किसी पर थूकता है तो फिर तुम क्या कहते हो, समझ नहीं आती, बड़ा हो गया है जगह जगह थूकता है, क्या सिखाया तेरे गुरु ने, क्या सिखाया तेरे माँ बाप ने। फिर उसको वो जलील होना पड़ता है। हम छोटे गलती कर दें, छोटा बच्चा से पूछा दो दो कितने होते हैं, छोटे ने बच्चे ने बता दिया पांच होते हैं, तो हम पार्डन कर देते हैं, एक्सक्यूज कर देते हैं, कोई बात नहीं, छोटा है, नादान है, सीख जाएगा, अभी उम्र क्या है, बड़ा हो गया सीख जाएगा। लेकिन एक बड़ा आदमी जो मास्टर डिग्री कर रखा हो, जो बड़े प्रोफाइल पर हो और वो दौड़ दो पांच कहे, तो क्या कहेंगे लोग, सठा गया है, अकल नहीं है, इतना भी नहीं पता दौड़ दो चार होते हैं, दौड़ दो पांच होते हैं, बेइज्जती होगी। तो बेइज्जती क्यों हुई, क्योंकि समय पर उसको सही ज्ञान नहीं दिया गया, समय पर उसने सही ज्ञान नहीं लिया, समय पर उसने अपने आप को सही नहीं किया, इसलिए उसकी समाज में बेइज्जती हो रही है।
तो इसलिए मेरा कहना होता है कि जब भी आपको करेक्ट होने का मौका मिले, उम्र का कोई पड़ाव नहीं होता, पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और उसमें आपको जहां पर भी मौका लगे वहां पर अपने आप को करेक्ट कर लेना चाहिए। तर्क वितर्क में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज ऐसी बेइज्जती होगी कि जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे।